तो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी मतलब विदाउट बिना किसी कारण के वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि आज करेंगे तो कल नहीं होगा, आज हो जाएगा, या इस महीने में ज़्यादा रिजेक्ट होता है उस महीने में रिजेक्ट नहीं होगा, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अब मार्केट पे एक न्यूज़ चल रही है कि दुबई यूई विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि आप अबू धाबी से अप्लाई ना करें, वहाँ से ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि आप दुबई या शारजा से अप्लाई ना करें, वहाँ से ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। कुछ यूट्यूबर्स तो रेगुलर बेसिस बसते हैं और कहते हैं कि भाई आप आज अबू धाबी से अप्लाई ना करें, यहाँ से ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। कोई कहते हैं कि भाई आप दुबई या शारजा से अप्लाई ना करें, यहाँ से ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। मतलब ये इस तरीके से वीडियो रेगुलर बेसिस, मतलब कुछ लोगों का काम ही ऐसा है कि आज कहते हैं अबू धाबी से अप्लाई ना करें, कल कहते हैं कि आप दुबई से अप्लाई ना करें, तो इस तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, ये पहले आपको जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपने वीज़ा का देखिए, आप लोग वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, ये विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा का अप्लाई मैक्सिमम लोग एजेंट थ्रू करते हैं और एजेंट के गलती के वजह से ही वीज़ा रिजेक्ट होता है 70%। कुछ लोग खुद अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ बिना किसी कारण के वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। विदाउट एनी रीज़न वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो देखिए, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों वीज़ा रिजेक्ट होता है। जब आप लोग वीज़ा का अप्लाई करते हैं तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि पासपोर्ट का जो वैलिडिटी, रिमेनिंग वैलिडिटी कितने दिन का है। रिमेनिंग वैलिडिटी कम से कम, मतलब शेष वैधता 6 मंथ होना चाहिए। 6 मंथ से कम है तो 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो कम से कम 6 महीने होने चाहिए पासपोर्ट का जो शेष वैधता, जो रिमेनिंग वैलिडिटी। नेक्स्ट, जब आप वीज़ा के अप्लाई करते तो अगर मतलब कुछ छोटी सी मिस्टेक से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, पासपोर्ट पर आपका जो नाम है, नाम का जो स्पेलिंग है, जब आप अप्लाई करते हैं, जब टाइप करते हैं, तो उस टाइम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, फादर मदर का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, एड्रेस गलत हो जाता है, या तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो मिस्टेक करते हैं, तो ये जो छोटी सी मिस्टेक होती है ना, तो इससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जब आप अप्लाई करते हैं एजेंट थ्रू, तो एजेंट से वो एप्लीकेशन चेक करें, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार आप चेक करें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो आप पोस्ट करने के लिए बोले, मतलब जब एजेंट वीज़ा का अप्लाई करते हैं, जब टाइप करते हैं, उस टाइम आप वो एप्लीकेशन चेक करें, स्पेलिंग ठीक है या डेट ऑफ बर्थ ठीक है, फादर मदर का नाम ठीक है, एड्रेस सब कुछ ठीक है, तब आप पोस्ट करने के लिए बोले। मतलब ये आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों और एक मेन रीज़न होता है एज की वजह से दुबई विजिट वीज़ा। देखिए 18 साल से आप नीचे है तो आप अकेला विजिट वीज़ा का अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका एज 18 साल से नीचे है तो फादर या मदर के साथ, मतलब पेरेंट्स के साथ ही आपको अप्लाई करना होगा, आप अप्लाई अकेला अप्लाई नहीं कर सकते। तो 18 साल से नीचे अगर आप है और आप अकेला आप खुद अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा का, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट, अगर आपने पहले दुबई यूई विजिट वीज़ा का अप्लाई किया था और वीज़ा आपका अप्रूव हो गया था, लेकिन आपने उस वीज़ा का यूज़ नहीं किया, मतलब आपने ट्रैवल नहीं किया था, तो इसके लिए भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ एरिया है सिक्योरिटी रीजन के वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए मेन ये जो रीजन्स है, इन रीजन के वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप वीज़ा का अप्लाई करते हैं ट्रैवल एजेंट थ्रू, तो एप्लीकेशन नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर होता है, वो नंबर आप ले लें ट्रैवल एजेंट से और आप चेक करें खुद ऑनलाइन। ऑनलाइन आप कैसे चेक करेंगे, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। जस्ट आप एप्लीकेशन नंबर टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है, सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा, मतलब आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ऑलवेज आप ट्रैवल एजेंट से एप्लीकेशन नंबर आप ले लें, और एप्लीकेशन नंबर आपको आपका ही एप्लीकेशन नंबर लेना है, दूसरे किसी का नहीं। मतलब कुछ एजेंट क्या करते हैं कि मतलब पुराना एप्लीकेशन नंबर दूसरे किसी के एप्लीकेशन नंबर आपको दे देते हैं,
कि इसलिए जब वीज़ा पोस्ट करते हैं एजेंट उसी टाइम आपका एप्लीकेशन नंबर लेना है, ताकि आप खुद प्रॉपरली चेक कर सकें। मतलब समटाइम्स क्या करते हैं एजेंट, आपका वीज़ा का जो अप्लाई नहीं करते और कहते हैं कि मैंने अप्लाई कर दिया, बाद में कहते हैं कि रिजेक्ट हो गया वीज़ा। तो इसलिए जब वीज़ा का पोस्ट करते हैं एजेंट उसी टाइम आपको एप्लीकेशन नंबर लेना है। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर करना। ये जो कुछ लोग रेगुलर यूट्यूब पर आते हैं और कहते हैं कि भाई आज अबू धाबी से अप्लाई ना करें, कल दुबई शारजा से अप्लाई ना करें, मतलब उन लोग वो लोग कहते हैं कि भाई मेरा डायरेक्ट पीआर से लिंक है, कोई कहते हैं कि इमिग्रेशन से डायरेक्ट लिंक है। भाई इस तरीके से नहीं होता है। आपने गलती की, ट्रैवल एजेंट ने कुछ गलती की विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। और ये लोग कहते हैं ना कि भाई अब ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है, कल नहीं होगा, मतलब इसका भी कोई टाइम नहीं होता है। आपने कुछ गलती की तभी वीज़ा रिजेक्ट होगा, अदरवाइज वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं करते, मतलब कुछ ना कुछ एक छोटी सी गलती की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी मतलब बिना किसी कारण के वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि आज करेंगे तो कल नहीं होगा, आज हो जाएगा, इस महीने में ज़्यादा रिजेक्ट होता है, उस महीने में रिजेक्ट नहीं होगा, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ लोग यूट्यूब पर आते हैं, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोगों को मिसगाइड ना करें। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वर्क वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, अभी यहाँ का वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा है, अभी दुबई का मिल रहा है, वह अबूधाबी का नहीं मिल रहा है, अबूधाबी का मिल रहा है तो दुबई का नहीं मिल रहा है। कुछ भी, सब कुछ ओपन है, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, सब कुछ ओपन है, सब कुछ मिल रहा है। मतलब अगर वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम, चाहे वो विजिट वीज़ा चाहे वो वर्क वीज़ा, एप्लीकेशन के टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है तो ही वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। मैं आपसे और एक बार कहता हूँ कि जब आप वीज़ा की अप्लाई करते हैं ट्रैवल एजेंट थ्रू, भाई बार बार आप चेक करें एप्लीकेशन, जो उसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है, ये आप चेक करें, ये आपका काम है। और एप्लीकेशन नंबर ले लें, बाद में आप खुद चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि अभी वीज़ा का स्टेटस क्या है। तो मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।